आज की बहुत ही स्पेशल सी वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं, अगर आप SSC CGL या CPO या CHSL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे में आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है ना, उसका वेटेज काफ़ी बड़ा होता है। और हम अगर बात करें हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चों को लेके, तो हिंदी भाषी बच्चे जो है हमेशा परेशान रहते हैं इंग्लिश के कंटेंट को प्रिपेयर करने में। उनको आइडली जो समय लगता है 1.5 साल 2 साल 3 साल लग जाता है। और इंग्लिश सेक्शन में भी स्पेशली अगर बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में 3 पार्ट आते हैं, एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैब, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चों को कि यार नहीं याद हो रहा है मेरे को, वोकैब याद नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो उनको ये सवाल होता है कि कितना वोकैब पढ़े। और अगर मेरे से पूछोगे कि 2015-16 में अपने पेपर दिया था तो 2015-16 में हमने कितना जो है वोकैब याद किया था, तो मैंने 16-17 हज़ार वोकैब याद किया था। 16-17 हज़ार वोकैब थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि मेरा बहुत सारा चीज़ कमज़ोर भी था, मतलब मेरा शब्द भंडार बहुत कम था। मुझे जनरल वर्ब्स नहीं पता था, जनरल एडजेक्टिव्स नहीं पता थे, जनरल नाउंस नहीं पता थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे, तो मतलब जो प्रोनाउन है प्रोनाउन भी सारा का सारा नहीं पता है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो सवाल ये आता है, सर इतना कितना 17-18 हज़ार शब्द कैसे याद करें, कितना शब्द रेलिवेंट है, जो आपने प्रिपेयर किया था वो सबका सब रेलिवेंट था? नहीं, वो सारा का सारा रेलिवेंट नहीं था। तकरीबन 9000 शब्द ऐसे हैं जो रेलिवेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और वो आपको पता होना चाहिए। और ये पिछले 10-12 साल का जो प्रीवियस ईयर का कंटेंट आया हुआ है वही इंपॉर्टेंट होता है। SSC का एक ट्रेंड है कि 95% के आसपास होके आप रिपीट करता है, 5% नया होता है। जो नया होता है वो किसी से नहीं लगता है, वो CBSE ICSE बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं से लग पाता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने इंग्लिश में पढ़ रखा है, तो वो शब्द भंडार उनके डिक्शनरी में होता है, उनके खुद के शब्दकोश में होता है। तो सवाल यह है कि ये 9000 शब्द का कलेक्शन कैसे मिलेगा, और ये 9000 जो शब्द हैं इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या सही तरीका रहता है? तो एक तरीका रहता है जो रटना पड़ता है, और रटने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, मेमोनिक्स से पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी, लेकिन सारे के सारे 9000 वर्ड्स अगर देखोगे ना तो मेमोनिक्स काम नहीं करते, फिक्स प्रीपोजिशन में मेमोनिक्स काम नहीं करते, फ्रेजल वर्ब मेमोनिक्स काम नहीं करते, सिनोनिम सेंटोनिम में बहुत सारे मेमोनिक्स काम नहीं कर सकते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मेमोनिक्स काम कर देते हैं। तो ऐसे में सही तरीका क्या होता है? सही तरीका यह होता है कि 9000 वर्ड्स को हर इंडिविजुअल डे में एक बाइट्स के फॉर्म में बनाया जाए, और हर रोज़ उसका रिवीजन किया जाए। साथ में हमको अगर क्विजेज मिल जाए जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं, और उसकी प्रैक्टिस हो जाए क्विजेज के फॉर्म में, क्योंकि बार बार पेज पढ़ना थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, तो अगर क्विज मिल जाए तो क्विज खोल के फटाफट जो है नेक्स्ट करके जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ऐसे में माई पाठशाला ने एक बुक बनाई है, इस बुक का नाम है 90 डेज वो कैप प्लानर। ये ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के पास है, तकरीबन 5-7 हज़ार बच्चों के पास ये 90 डेज वो कैप प्लानर है। और इस 90 डेज वो कैप प्लानर की कुछ खास बात है जो मैं चर्चा करना चाहूँगा इस वीडियो में, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस 90 डेज वो कैप प्लानर में जो 9000 वर्ड्स है वो डे वाइज बाइट्स में बनाए गए हैं। जैसे मैं इसमें अगर डिकोड करके आपको बताऊं तो डे वन में बनाया गया है, जो है सबसे पहला इसका सेक्शन आता है डे वन में, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, 20 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ईडियम फ्रेजेज है 10, ईडियम फ्रेजेज है, वर्ड सीरीज 10 है, लेकिन इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के तकरीबन 50 वर्ड्स होंगे जो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब 5 होगा, फिक्स प्रीपोजिशन 5 होगा, और क्लोज टेस्ट के लिए जो यूजफुल वर्ड होते हैं वो 2 से लेकर 3 होता है। और ये पूरा आसानी से जब आप पढ़ोगे ना तो याद भी हो जाता है, क्योंकि माइंड ना चेंज के लिए बहुत रेडी रहता है। जैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने 20 पढ़ लिया तो चेंज करने का मन करेगा, तो उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से इसको बनाया गया है। साथ में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पढ़ के याद नहीं होता है, तो इस पूरे वोकैब को पढ़ाया गया है, साथ में QR कोड बाजू में लगाया गया है। QR कोड स्कैन करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा, आप लेक्चर देख सकते हो, फिर उसके बाद ये चीज़ें याद करना आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। रिविजन के लिए इसमें एक स्पेशल सुविधा की गई है कि नीचे हर डे के नीचे क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 QR कोड के माध्यम से इंप्लीमेंट किए गए हैं। QR कोड स्कैन करो, क्विज दो, तो अगर आप रीड करके रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो क्विज के थ्रू आप रिवीजन कर सको। तो डे 1 से लेकर डे 90 तक इसको पूरी तरीके से जो है बांटा गया है, और ये पूरा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है। अगर कोई शब्द नया आता है, अगर इसमें नहीं मिलता है तो किसी और किताब में नहीं मिलेगा, और अगर किसी और किताब में मिल रहा है तो इसमें मिलेगा, क्योंकि ये कलेक्शन जो है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, और ये बहुत ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे से बनाया गया है। अगर आप भी चाहते हो ये 9000 वर्ड्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करना, तो फटाफट 90 डेज कैप प्लानर को जो है ऑर्डर करो, ऑर्डर करके इसको पढ़ना स्टार्ट करो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप माई पाठशाला के ऐप पर जाके इसे ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर आप माई पाठशाला की वेबसाइट विजिट करके इसे बाय कर सकते हो। नीचे मैं एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रहा हूँ, जिसमें आप
डिस्कस करके पूछ सकते हो जो है कि अगर कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है तो कर सकते हो। इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारी किताबों से आप वोकैब पढ़ के जो है वोकैब सीख सकते हो, अच्छा कर सकते हो, लेकिन सवाल यह है कि इसको बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि अगर वोकैब प्रिपेयर करने में पहले 12-14 महीने लगते थे तो अब वोकैब प्रिपेयर करने में 90 डेज लगे और रिविज़न करने में 30 डेज और लगे, तो मोटा मोटा आप 4-5 महीने में ये पूरे के पूरे 9000 वर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ। तो समय आपका कम करना इस किताब को बनाने का बेसिक पर्पज है। और कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड हो, रेलेवेंट हो, प्रैक्टिस रेलेवेंट हो, वीडियोस रेलेवेंट हो, एक जगह पे हो, वो सारा का सारा सिस्टम एक जगह बिल्ड किया गया है। तो आप इस बुक को देर मत करो, फटाफट ऑर्डर करो और अपनी तैयारी के समय को कम करो।